ठीक है, एक रोड। क्या नाम है आपका? राम जीवन यादव। किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? हम धाराओं के। विकासखंड बताइए। विकासखंड धानापुर। जनपद? चंदौली। विकास योजनाओं के तहत आपने अपने गांव में कौन से किस तरह विकास किया? मैंने गांव के विकास और सेवा के लिए राजनीति क्षेत्र में आने के बाद लगे रहे, लेकिन प्रतिनिधि न बनने की वजह से मैं अन्य स्रोतों से, विधायक निधि से, एमपी क्षेत्र से, जिला परिषद से, इस तरह से कुछ काम करते रहे। और जब हम गांव के प्रतिनिधि बन गए तो शासन की मंशा के मुताबिक जो पैसा आता था उसको पिछड़े तबके के लोग की जगह पर, यहाँ पर उपेक्षित किए गए थे, पुरवा पुरवाही मजरा इस तरह के प्रॉपर गांव के छोड़ कर अतिरिक्त जगहों पर अन्य हमारे तत्कालीन जो प्रशासन प्रधान थे वो लोग मजरे उजरे का उपेक्षित किए थे। तो मैंने पा कर के पैसा सामंजस्य स्थापित करके प्रयास किया कि हर जगह स्थितियां एक तरह से सब लोग लाभान्वित होते रहें। जैसे नट बिरादरी हैं, उनके यहाँ लाइन की व्यवस्था, पुरवा पुरवाही की बातें हैं, ये नोनिया ओनिया के यहाँ पानी में बैठ करके, जिसे गांव में भोजपुरी में हेल के कहा जाता है कि बरसात में जाते तो वहाँ मिट्टी डलवा पटवा के खंजा वंजा, ये सब प्रयास कर किया कि सारी व्यवस्थाएं दूँ। और हमारे मन में एक लव थी गांव की सेवा करने की, और ईश्वर ने या जनता ने हमारी भावना का कदर करते हुए 20 साल के बाद मौका दिया, मैं काम करना शुरू किया। सम्मान दिया गया उन लोगों ने। से एक स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क है, हाँ। बीच में रास्ता क्यों रह गया खाली, नहीं बन पाया? ऐसा है कि सर कि वो गांव के मुसलमान जो निजी उनकी कास्ट की जमीन है, जी, सरकार की उदासीनता की वजह से वो नहीं बन पाया। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो जमीन को एक्वायर करके सड़क बनाई जा सकती है, जब किसी की निजी जमीन है तो हम लोग जबरदस्ती या पंचायत करके बहुत प्रयास मैंने किया, लेकिन गांव के प्रतिद्वंदी से माने हम दूर के रहने वाले और एक तरह से जो राजनीति का यहाँ गांव का पंचायत का हिंदू बना मुसलमान का फैक्टर बनाया जाता है, तो ये नहीं चाहते हैं कि हम प्रयास करूं कि ये समाधान निकल जाए, पंचायत से ज़मीन दे कर बनवा लूं या सरकार से प्रयास कर लूं, लेकिन इस पर भी परिस्थिति नहीं होने दिया जाता है। चलिए, अपना नाम बताइए। राम जी अमन यादव जी। तो आप प्रधान भी हैं और बहुत समाज सेवा की है। इस समय देश में बड़ी विकट समस्या किसानों की चल रही है, उनके फसल के दाम की चल रही है। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जगहों पर लोग आंदोलन किए हुए हैं। देखिए, आंदोलन तो मन उद्वेलित तो किसान का है ही जी। कहने की बात है, मैं आपसे कुछ कह ना पाऊँ सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से। और वर्तमान सरकार जो यहाँ प्रदेश में बनी हुई है उस परिवेश से मन में लोग उद्वेलित हैं, किसान पूरे देश के। दूसरी बात, एक और हम इसमें स्थानीय मजबूरी में मानते हैं कि हम यहाँ के लोग, यूपी और पूर्वांचल के लोग किसान बाद में हैं, पहले हम जाते हैं, अहीर हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, ये तबका है, उसके बाद तो किसान बन जाए। अगर हम पहले किसान बन जाए और बाद में यादव और ब्राह्मण और ठाकुर और किसान और कुशवाहा और कुनबी और कुहार बने तो सरकार पर हम दबाव बनाकर कुछ सोच सकते हैं। सरकार इसका लाभ हमसे ले रही है।